नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता लोनिया बायजूस एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन के साथ में मैं उपस्थित हुई हूँ, जहाँ पर आज हमारे साथ हैं एक महान हस्ती जो कि एजुकेशन के मामले में तो जिनका हम कहेंगे महारथी हैं, और इनका मार्गदर्शन आज हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो ऐसी ही मिसाल हमारे सामने है, जो कि जिन्होंने एजुकेशन में, जिन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अपने विषय में अपना महारत हासिल किया है, पीएचडी हैं, और हाल फिलहाल अगर हम बात करें तो वर्तमान में इनकी अगर हम बात करें तो नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ वाइस चांसलर की हमारे सामने नेशनल प्रेसिडेंट उपस्थित है, डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत जी सर, फॉर्मर वीसी ऑफ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। आपका बायजूस एग्जाम प्रेप की पूरी टीम की ओर से मैं डॉक्टर कविता नोनिया हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आप सभी का। हमारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली जुड़ रहे हैं, उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू वेरी मच जी। तो स्टूडेंट्स आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए सेशन को, और इस इम्पोर्टेंट सेशन को, क्योंकि ये पूरी तरह से आपकी के फ्यूचर, आप ही के एस्पिरेंट से लेकर के प्रोफेसर और प्रोफेसर से लेकर के बीसी तक का सफर, और उसके बाद में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी बहुत सारी भूमिकाएं निभाने वाले डॉक्टर लोकेश शेखावत जी के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से आप सभी लाभान्वित होंगे। तो इसके लिए आप सभी सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इससे वंचित ना रह जाएं, और आपके मन में आपके जीवन को लेकर के, अपनी सफलताओं को लेकर के जो भी क्वेरी हो, आप हमारे सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सभी का स्वागत है, आरजू, तनुजा, प्रतिभा, मीनाक्षी सभी कंटिन्यूअसली जुड़ रहे हैं, डॉक्टर पकीज जी के, मधु, सभी का स्वागत है, और जल्दी जल्दी से आ जाइए सेशन में। और हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, आप सर वैसे परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सर जो है गवर्नर नॉमिनी है पीटीयू जालंधर यूनिवर्सिटी, बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, इन सभी में सर गवर्नर नॉमिनी रह चुके हैं, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, साथ ही साथ एक्स वीसी रह चुके हैं सर भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर में, और एक्सपर्ट सर ने एक्सपर्टाइजेशन है सर के इंटरव्यू, इन्होंने पीएचडी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड काफी कुछ जो है इन्होंने अचीव किया है, और ऐसा नहीं है कि ये अचीवमेंट एक ही दिन की ख्याति है, ये पूरी मेहनत, जोश और जुनून की ख्याति है जो आज हमारे समक्ष जो है सर बैठे हैं, और सर अपने अनुभव से हमें लाभान्वित करेंगे, सर की क्या जो कहेंगे एजुकेशनल सर की जर्नी रही उससे हम सभी जानेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि कंटिन्यूअसली मैं लगातार जो मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कहीं ना कहीं मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, या क्या कमी रह गई है, तो उन कमियों के बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आप कंटिन्यूअसली हमारे साथ बने रहे, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लाइक और शेयर कीजिए। तो सर स्वागत है, और हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके एजुकेशनल जो आपकी जर्नी रही है वहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आई बिलोंग टू ए विलेज इन रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, झुंझुनू जिला शेखावाटी में, राजस्थान में एक ग्रामीण जिला है जहाँ गाँव की ही गाँव की बाहुलता है। मैं अपनी जो सारी सफर की बातें आपसे शेयर करूँगा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्मा, पला पोसा, और जो कुछ भी प्रारंभिक शिक्षा है वो मैंने वहाँ प्राप्त की, इसलिए मैंने ये जो सफर तय किया ये आप सबके लिए एक तरह से इंस्पायरिंग इस माने में होगा कि हमारे रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है,
भाषा को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, और एक उनके दिमाग में ये हो जाता है कि हम शहर में पढ़ने वाले अच्छे स्कूलों के बच्चों की तुलना में बहुत कमजोर हैं। ऐसा जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है वो नहीं होना चाहिए। मैं एक तरह के उदाहरण के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ कि उस पृष्ठभूमि में, और मैं निकल करके और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का मैं कुलपति बना। तो जैसा कि आज का आपका अपना विषय है, एस्पायरेंट से प्रोफेसर तक का जो सफर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ दैट यू आर एस्पायरेंट फॉर व्हाट। दैट एस्पायरेंट फील्ड जो है दैट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि हम किधर जाना चाहते हैं, ये अपने दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। और इफ इट इज क्लियर इन योर माइंड देन आई थिंक सक्सेस विल बी इन योर हैंड, वट एवर यू लाइक यू कैन गेट आउट ऑफ इट। नाउ आई विल डिस्कस टू गाइडलाइंस। वन इज जनरल गाइडलाइंस फॉर सक्सेस इन कैरियर। इट मीन्स दैट सच गाइडलाइंस विल अप्लाई टू ऑल कैरियर, वट एवर कैरियर यू वॉन्ट टू अप्लाई या अडॉप्ट इन योर लाइफ, दीज जनरल गाइडलाइंस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड योर गोल। वट इज योर गोल? अब गोल के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं कि चिड़िया की आंख होनी चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन पहले ये डिसाइड तो करना जरूरी है कि हमारा गोल क्या है। बिल्कुल। कई बार क्या है कि हम कंफ्यूजन में रहते हैं, ये कर लें वो कर लें, और ऐसे कंफ्यूजन से हम कहीं के भी नहीं रहते। जब हमें यही मालूम नहीं है कि हमें कौन से स्टेशन तक पहुंचना है, तो हम अपने लक्ष्य में और सफल नहीं हो सकते। अब जब गोल डिसाइड हो जाता है, जैसे आज की अपनी जो परिचर्चा है या जो इंटरेक्शन है, इसमें ये बात है कि हम प्रोफेसर के रूप में एस्पायरेंट हैं और हम प्रोफेसर बनने की इच्छा रखते हैं, तो अपने सामने अगर प्रोफेसर बनने का गोल है तो वह अपने क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, देर आर सो मेनी प्रायोरिटीज अल्टरनेटिव्स और वी आर नॉट इन पोजिशन टू डिसाइड आवर प्रायोरिटीज। समटाइम्स वी थिंक दैट प्रोफेसर प्रोफेशन जो है दैट इज द लास्ट चॉइस ऑफ माई कैरियर, बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इफ यू वॉन्ट टू बी प्रोफेसर देन दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस इन अचीविंग दिस पर्टिकुलर गोल। तो फर्स्ट यू डिसाइड योर गोल कि यू वॉन्ट टू बी ए प्रोफेसर और नॉट, एंड इफ इट इज डिसाइडेड बाई यू दैट यू वॉन्ट टू बी ए प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी और इन ए कॉलेज, देन सेकेंड स्टेप इज यू शुड प्लान कि हाउ आई कैन बिकम ए प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी। दैट एक्शन प्लान should be prepared, that should be your second stage. अब action plan में ये बात clear होनी चाहिए कि हमें जैसे बनना professor है, तो एक professor बनने के लिए क्या क्या शर्तें जरूरी हैं, या अन्य कोई career अपने को अपनाना है तो उस career को प्राप्त करने के लिए, उस profession को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, उन आवश्यक शर्तों को ध्यान में रखते हुए वी मस्ट प्रिपेयर आवर एक्शन प्लान, एंड इफ इट इज प्रिपेयर्ड बाय अस ऑनेस्टली विद कमिटमेंट सीरियसली सिंसियरली, देन आई थिंक एक्शन प्लान फॉलोइंग जो है उसके आधार पर, एक्शन प्लान को हम अगर अच्छी तरह से तैयार करके उसके अनुरूप अगर एक्शन करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो अपना सफर है इस सफर को पूरा करने में सफलतापूर्वक कोई परेशानी नहीं होगी। देन थर्ड स्टेप इज व्हाट इज योर एटीट्यूड।
एटीट्यूड ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट एवर ही वॉन्ट्स और सी वॉन्ट्स टू डू इन हिज और हर लाइफ, वॉट इज हिज एटीट्यूड, वॉट इज हिज अप्रोच, दैट मीन्स ही इज पॉजिटिव और नेगेटिव. वन मस्ट बी पॉजिटिव इन हिज अप्रोच, ओनली देन वी कैन गेट सक्सेस. वॉट एवर कैरियर वी फॉलो, दैट डजंट मैटर. बट वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव? पॉजिटिव मीन्स वी ऑलवेज शुड सी द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, नॉट नेगेटिव थिंग्स या बैड थिंग्स. बल्कि हमें सकारात्मक दृष्टि लेकर के आगे बढ़ना चाहिए. अब तक की जो डेफिनेशन है सकारात्मकता की, वो ये कही जाती है कि जैसे एक गिलास पानी से आधा है, तो ये कहा जाता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, दिस इज पॉजिटिव अप्रोच. और अगर कोई कहता है कि गिलास आधा पानी से खाली है, तो दिस इज नेगेटिव अप्रोच. बट आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वंस एड्रेसिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली, देन ही गेव ए न्यू डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिविज्म. उन्होंने ये कहा कि भाई गिलास आधा पानी से भरा हुआ है और आधा हवा से भरा हुआ है. और पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव इज वन हु थिंक्स अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ दैट वाटर एंड हु थिंक्स अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ दैट एयर. एक व्यक्ति आधे पानी के गिलास का कैसे उपयोग कर सकता है और उस गिलास में जो आधी हवा है उसका वो कैसे उपयोग कर सकता है, इसके बारे में इसकी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. और अगर ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो मैं समझता हूँ कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी महसूस करेंगे और सफल भी होंगे. नेक्स्ट जो स्टेप है या नेक्स्ट जो क्वालिटी है जनरल गाइडलाइंस की दृष्टि से, वो ये है कि वन मस्ट बी एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल. हम जो कुछ कर रहे हैं और जहां भी कुछ करना चाहते हैं, वहां अगर अपन अपने मैसेज को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम. एनी टाइप ऑफ कैरियर वी अडॉप्ट, इट डजंट मैटर. बट इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन स्किल, यू कैन नॉट प्रूव योर सेल्फ गुड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर. हियर इफ यू वॉन्ट टू बी ए प्रोफेसर, if you want to be a good teacher, then communication skill is very important for such career, because we may have good knowledge, but if knowledge is not in position to be communicated, then there is no use of such knowledge. You may be store of knowledge, you may be store of information, but communication is very important. So one must try to make himself or herself expert in communication skill. The next step is also very important. There are two types of knowledges. One is analytical knowledge and another one is informative knowledge. This informative knowledge is known as cognitive knowledge. Nowadays, what is happening in particularly education sector, cramming has become habit of students. They cram certain things and they pass particular examination and get good marks also. But only cramming is not good to be a good teacher. Cramming mein problem jo aati hai, wo ye aati hai ki hum जो कुछ नॉलेज या इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन का नॉलेज है उसको क्रेम तो कर लेते हैं, लेकिन हम उस नॉलेज को एनालाइज करने की पावर नहीं रखते. इफ वी डोंट हैव एनी एनालिटिकल पावर विद अस टू एनालाइज आवर नॉलेज, देन देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स. तो वन मस्ट
ट्राई टू बी एनालिटिकल इन हिज अप्रोच. और एनालिटिकल कब हो सकता है आदमी? जब वो न्यूटन की तरह है, अपनी क्यूरियोसिटी को, व्हाट इज दिस, व्हाई इट हैपेंड, हाउ इट इज, ये हाउ, व्हाट, व्हाई, इन सवालों का जवाब अगर कोई खोजता है तो उसकी एनालिटिकल पावर बढ़ती है. सेब को पेड़ से गिरते हुए तो पता नहीं कितने ही अरबों लोगों ने देखा होगा, लेकिन न्यूटन के मन में ये बात पैदा हुई कि भाई ये जो सेब है वो पेड़ से नीचे क्यों गिरा. ये जो भाव पैदा हुआ, ये जो पर्टिकुलर क्यूरियोसिटी है कि व्हाई इट हैपेंड, ये नीचे ही क्यों गिरा, वो आसमान में क्यों नहीं चला गया, वो अलग अलग दिशाओं में क्यों नहीं चला गया, ये जमीन पर ही क्यों गिरा. दिस पर्टिकुलर क्यूरियोसिटी सॉल्व ए प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का जो जवाब उसको मिला जी. वो मिला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रूप में. तो मैं यहाँ सभी को ये राय देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो जो भी कोई अध्ययन करे, किसी भी विषय का अध्ययन करें, अध्ययन करते समय व्हाट, व्हाई और हाउ जैसे सवालों का जवाब खोजना चाहिए उनको, और वैसा सवालों का जवाब वो खोजेंगे तो उनकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी. और एनालिटिकल पावर अगर बढ़ेगी तो ऐसा व्यक्ति किसी भी समय किसी भी विषय के ऊपर अपने विचारों को रखने में आसानी महसूस करेगा. क्रेम करके अगर कोई चीज को याद करेगा और एनालिटिकल नहीं होगा वो, तो समस्याएं पैदा होंगी. आज जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के ऊपर जो कई समस्याएं आती हैं, वो इसीलिए आती हैं कि एनालिटिकल पावर कमजोर होता है. व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, हाउ इट कैन बी सॉल्व, व्हाई इट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वाज क्रिएटेड इन ए पर्टिकुलर सेक्टर. तो इफ वी थिंक द रिप्लाईज या आंसर्स ऑफ व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ओनली देन इट इज इजी फॉर अस सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम जो है वो किस सेक्टर की हो सकती है. हम अगर प्रोफेसर बनते हैं तो जिस विषय के हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस विषय से संबंधित जो समस्याएं हैं, उस विषय से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं, उन सब के बारे में भी अगर हमारा ये एनालिटिकल अप्रोच होगा तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हम और अपने आप को एक शिक्षक बनने के लिए सक्षम साबित कर सकते हैं. अब जैसे विवेकानंद को भी अगर हम उनके जीवन को देखें तो विवेकानंद जिस किसी भी संत के पास जाता था तो उसके सामने एक जिज्ञासा पैदा होती थी जी. कि भाई तुम्हारा भगवान कहाँ है जी. मुझे वो अपना भगवान दिखाओ जी. और उस जिज्ञासा को उसने जिन जिन संतों से और लोगों से मिला उन सबको उसने अपना ये सवाल किया और आखिरकार रामकृष्ण परमहंस ने उसकी जिज्ञासा को शांत किया जी. कहने का अर्थ है कि विवेकानंद इतनी ऊंचाई पर इसीलिए पहुंच पाए कि उनमें एनालिटिकल जिज्ञासा जो है वो थी और उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए उनकी और बहुत अच्छी डिजायर थी. उस डिजायर के मुताबिक उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा की तो वो उस क्षेत्र में सफल हुए. नाउ आई कैन डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर गाइडलाइंस. पर्टिकुलर मीन्स हम जो है एक अच्छे प्रोफेसर बनने के रास्ते को कैसे तय कर सकते हैं जी. कैसे एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं. मैं मेरे स्वयं के उदाहरण देते हुए इस बात को और सबके साथ शेयर करना पसंद करूंगा. जैसे मैंने पहले कहा कि हु इज एस्पायरेंट, अपने को अपने बारे में खुद के बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं. इफ वी आर इन पोजिशन टू डिसाइड अबाउट आवर सेल्स दैट व्हाट वी एस्पायर, हम अपनी एस्पिरेशन के बारे में तो खुद ही फैसला कर सकते हैं ना. दूसरे तो उनको सलाह दे सकते हैं कि भाई डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या प्रोफेसर बनो,
या और कोई बिजनेस करो। अब फैसला तो खुद को ही करना है, एस्पायर तो खुद को ही करना है कि मैं क्या बनना चाहता हूं जी। और वो सब बातों को सुन करके, जैसे कहा भी गया है ना, सुनो सब की करो मन की जी सर। माय फादर गाइडेड मी इन दिस वे कि वो खुद प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए जी। और वो इस पक्ष में नहीं थे कि मैं IAS आदि के कंपटीशन में जाऊं, उनका अपना विचार था जी। मेरे सामने IAS में जाने की भी एक इच्छा थी जी। और दूसरी तरफ ये प्रोफेसर बनने की भी इच्छा थी जी। लेकिन उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दी उसके मुताबिक मेरी इच्छा एक अच्छा टीचर बनने की, प्रोफेसर बनने की ज्यादा मजबूत हुई और उन्होंने उसके पीछे कारण बताया कि आने वाले समय में एक एडमिनिस्ट्रेटर पर बीइंग डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ आवर कंट्री देयर विल बी मेनी प्रेशर्स एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मिनिमाइज दोज प्रेशर्स। इफ यू बिकम ए टीचर यू विल नॉट फेस सच पब्लिक प्रेशर्स वांटेड और अनवांटेड। वी कैन सोल्व द वांटेड प्रेशर्स नो प्रॉब्लम but sometimes we face unwanted problems, pressures, so it becomes very difficult to solve these unwanted pressures. That's why my father advised me to be a good teacher and then I decided I became aspiring to be a good teacher and then a professor of a university. But unluckily मैं विश्वविद्यालय की नौकरी शिक्षक के रूप में शुरू नहीं कर पाया, उसके कुछ राजनीतिक कारण रहे। हमारे जो वहाँ के जो HOD थे वो किसी कारण से मेरे से नाराज हो गए। मैं बहुत बड़ा डिबेटर था राजस्थान यूनिवर्सिटी का, आपने नाम भी सुना है जगदीश चंद्रा जो चैनल चलाते हैं जी। वो जगदीश चंद्रा जी और मैं दोनों बहुत अच्छे डिबेटर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के और बहुत से ट्रॉफीज हम लेके आए, लेकिन उसके बावजूद उन टीचर की, उन HOD प्रोफेसर साहब की नाराजगी की वजह से मुझे वायो में द लोवेस्ट मार्क्स दिए गए, इंटरनल मार्क्स जो हैं वो भी बहुत कम दिए गए और इस वजह से मेरी जो फर्स्ट रैंक है वो लुढ़क गई। मेरे थ्योरी में फर्स्ट रैंक वाले से ज्यादा मार्क्स आए। आपको मैं बताऊं कई बार ये जो प्रतिक्रिया होती है वो भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए मन से तैयार करती है जी। तो मुझे ये जब रिजल्ट मैंने देखा तो अच्छा नहीं लगा। मैं उन्हीं HOD प्रोफेसर साहब से मिला और मिलकर के मैंने उनको कहा कि आप एक अपने अच्छे टीचर की भूमिका आपने नहीं निभाई, आपने राजनीतिक कारणों से मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा और शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा जो पद है वो प्राप्त करके रहूंगा, मुझे नहीं पता कि आप जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो कई बार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन इसमें नजरिया अपना क्या होना चाहिए, वो नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए, वो नजरिया हमेशा इस बात का होना चाहिए कि मुझे सफल होना है। सोच को सुधारिए नजारे बदल जाएंगे, ऐसा जो कहा गया है वो सोच को सुधरेगी, सोच पॉजिटिव होगी तो सब तरह के नजारे बदलेंगे, ऐसी हम सबको और विश्वास और आशा रखनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसी परिस्थिति में मैंने एक टीचर बनने का डिसाइड किया और टीचर बनने के बाद में आप प्रोफेसर के सफर को कैसे पूरा कर सकते हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है, इफ यू वांट टू बी ए प्रोफेसर या टीचर इन ए यूनिवर्सिटी देन यू मस्ट इम्प्रूव योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। यस, इफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आर गुड एक्सीलेंट देन यू कैन प्रूव योर सेल्फ ए गुड टीचर। ये जी, बिल्कुल उसके लिए जो, हाँ, उसके लिए जो भी कोई
अपने को अध्ययन करने की जरूरत है, उन सभी सोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाना चाहिए। हाँ, क्या कह रही थी आप? सर, मैं ये कह रही थी कि काफी स्टूडेंट्स जो हैं आपसे प्रेरित हो रहे हैं और आपकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन भी रहे हैं, और उनका पर्टिकुलर है कि सर आपने काफी ये जो सफर आपने तय किया है ये बिल्कुल भी सरल नहीं रहा है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि हम इसी तरह से बिलोंग करते हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, हमें कई बार हेजिटेशन होती है अपनी बात को कहने में, और हम किस तरह से प्रोफेसर हम बनना चाहते हैं लेकिन उस क्रम को हम जान नहीं पा रहे हैं, पीएचडी करने के बाद में क्या हमें पक्का प्रोफेसर हम बन जाएंगे, ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के जो आप अपने स्पीच में बता चुके हैं और उससे काफी मोटिवेट हो रहे हैं। हाँ, वो वही उसी बात पर मैं आ रहा हूँ जी सर। और जैसे मैंने एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताई, आपने जो ये स्टूडेंट्स की तरफ से सवाल बताया जी कि भाई इवन आफ्टर पीएचडी इज देयर एनी गारंटी दैट ही और शी विल बी अपॉइंटेड एज ए टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी? जी सर, गारंटी कैन नॉट बी गिवन फॉर एनीवन, यस, फॉर एनी प्रोफेशन, यस सर, बट We must prepare ourselves for that particular profession. तो जैसा मैंने कहा ना, फर्स्ट स्टेज ये है कि भाई आपकी अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो हैं, वो एकेडमिक एक्सीलेंस बढ़ाने का अपना एक काम होना चाहिए। उसके लिए जो जो भी कुछ अपने को करना पड़ता है वो सब अपने को करना चाहिए। बिल्कुल सर। अभी जैसे पीएचडी की बात आपने कही जी, तो वो सेकेंड जो बात है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में रिसर्च भी जुड़नी चाहिए। बिल्कुल। और रिसर्च का मतलब जुड़ने का ये नहीं है कि सपोज इफ यू हैव कंप्लीटेड योर पीएचडी आफ्टर दैट देयर इज नो नीड टू स्टडी इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। व्हाटएवर सब्जेक्ट आप अपने पीएचडी के लिए और चुनते हो, सिलेक्ट करते हो, उसके ऊपर कंप्लीट करते हो अपनी पीएचडी, उसके बाद भी आपको उस पर्टिकुलर और टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में आगे भी रिसर्च करते रहना चाहिए, आपको आर्टिकल्स लिखना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है आप जो भी नॉलेज प्राप्त करते हो उसका एक्सपोजर होना चाहिए, रिसर्च जर्नल्स में आपके आर्टिकल्स छपने चाहिए, वो आर्टिकल्स आपके पीएचडी थीसिस पर भी हो सकते हैं, वो आर्टिकल्स आपके उस पीएचडी थीसिस से आगे की और अध्ययन के भी हिस्से हो सकते हैं। इसलिए दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आप रिसर्च के मामले में बड़े साउंड आपका करियर होना चाहिए, और वो आजकल जरूरी कर भी दिया गया है। नई जो क्वालिफिकेशंस बनाई हैं उसमें शायद नेट को खत्म कर रहे हैं और उसमें पीएचडी को ही एसेंशियल कर रहे हैं। तीसरी जो बात मैंने पहले डिस्कस की वही बात रिपीट कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल, मतलब अपनी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, अपना नॉलेज खूब है सब्जेक्ट का लेकिन उसको हम दूसरे को कितना दे सकते हैं अच्छे ढंग से, ये एक अच्छे टीचर के लिए बहुत जरूरी है जी। अब इसके लिए डिटेल में बहुत सी चीजें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है जी। इतना ही पर्याप्त है कि हम बच्चों को अपनी बात को कैसे समझा सकते हैं। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम हरियाणा कॉलेज एजुकेशन, तो हरियाणा की अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में वहाँ की कुछ स्थानीय अपनी अलग तरह की समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में मुझे राज्य और व्यक्ति से संबंधित थियरीज पढ़ानी पड़ी, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद जी। तो इसमें साधन और साध्य की बात की जाती है, तो मैंने साधन और साध्य को बच्चों को समझ में आए इसके लिए मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए क्लासेज में कि भाई आप किस साधन से कॉलेज में आए हो। तो कोई बोला कॉलेज हम मोटरसाइकिल से आए हैं, कोई बोला हम साइकिल से आए हैं, कोई बोला हम ट्रेन से आए हैं, कोई बोला कि हम तो पैदल ही आए हैं सर। और मैंने कहा साथ में क्या लाए, हम हमारी बुक्स लाए, नोटबुक्स लाए। तो मैंने कहा ये आपके साधन है, आपका जो साध्य है क्या कि बीए पास करना, पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर प्राप्त करना, इस साध्य को प्राप्त करने के लिए आपने जिन साधनों का प्रयोग किया है, आपके साधन के बीच में जो आपके संबंध है वो साधन और साध्य के रूप में
बताए जाते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं। कोई कहता है कि राज्य साध्य है और कोई कहता है कि व्यक्ति साध्य है। ये जो पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद, समाजवाद, मेरा कहने का अर्थ यह है कि हम किसी विषय के और प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उस विषय को लोगों के, स्टूडेंट्स के समझ में आए इस ढंग से पेश करना, ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। मेरा एक प्रोफेसर, वो टीचर साथी अभी तो नहीं है दुनिया में, दिवंगत हो गया, वो हरियाणा की उस कॉलेज के बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाने लगता था। अब वो अंग्रेजी का मीडियम जो है वहां के हरियाणा के बच्चों को समझ में नहीं आता। जी सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही एक बार। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सुन रहे हैं सर की बातों को और आगे भी अभी जारी रहेंगे और सर की बातों से आप लाभान्वित होते रहेंगे, आप सभी का जो क्वेश्चंस है उनके जवाब बिल्कुल सर की बातों में निहित हैं। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से, हाँ सर की वॉइस, जस्ट ही दो मिनट आप वेट कीजिए तब तक। तो आपने देखा कि आपको सबसे पहले सर ने बताया कि किसी भी आपके लक्ष्य को आपको हासिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने गोल का पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है कि आपको अपने गोल का पता हो। दूसरी बात, आपके मन में जिज्ञासा हो उस गोल को पाने की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस गोल को पाने के लिए आप जिज्ञासु रहें। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप नेट करें, आप सेट करें, आप पीएचडी करें, आप रिसर्च करें, उन सब बातों को आप जारी रखें। और अभी सर आपसे कंटिन्यू रखेंगे अपनी बातों को, बीच में नेटवर्क का इश्यू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के स्टूडेंट्स हैं सब लोग, पता नहीं क्या समझते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। देखिए, सर ने कहा है कि कम्युनिकेशन आप चाहे किसी भी भाषा में करें, ठीक है, कम्युनिकेशन आपकी चाहे किसी भी भाषा में रहे, वो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली कि मतलब बस जो संप्रेषण है वो प्रभावी होना चाहिए, चाहे भाषा आप कोई सी भी प्रयोग क्यों ना करें। आगे की जो बात है वो ये कही जा सकती है। क्या आवाज आ रही है अब आप सभी लोगों को? तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं जी। अपन जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना या बनते हैं, बनना चाहते हैं या बनते हैं, जी सर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अपनी डीप स्टडी होनी चाहिए। जी सर, और उस स्टडी के लिए जो कुछ हमें करना पड़ता है वो करना चाहिए। जी, मैं हरियाणा में जब लेक्चरर बना कॉलेज में, जी, एमए करते ही अच्छा परसेंटेज होने की वजह से मुझे कॉलेज में लेक्चररशिप मिल गई। तो मैं रोहतक यूनिवर्सिटी से एमफिल करने के लिए, कॉलेज की क्लासेज खत्म होने के बाद एमफिल करने के लिए रेगुलर क्लासेज अटेंड करने लगा। जी, मेरा मजाक उठाते थे, बोले शेखावत ये क्या करके करेगा, एमफिल करके क्या प्राप्त होने वाला है? तो मैंने कहा भाई प्राप्त कुछ हो कि नहीं हो ये मतलब नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ तो पॉलिटिकल साइंस में अगर मेरे को और नॉलेज कहीं से भी किसी भी रूप में मिलता है तो मुझे वो प्राप्त करना चाहिए। तो मैंने, मेरी मजाक साथियों ने उड़ाई, उसके बावजूद भी मैंने मेरा एमफिल कंटिन्यू रखा। मैं मॉर्निंग आवर्स में मेरी क्लासेस लेता था और आफ्टरनून सेशन में मैंने मेरी एमफिल की। और आपको ये बताऊं कि मेरे एमफिल में फर्स्ट क्लास और गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। उसकी वजह से फिर मुझे यूजीसी की टीचर फेलोशिप मिली, जिसका अर्थ ये होता है कि फुल पे प्लस स्कॉलरशिप में फेलोशिप रिसर्च के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी मुझे, और 4 साल का मुझे एकेडमिक लीव मिला। अगर मैं एमफिल नहीं होता तो शायद मेरा सिलेक्शन होने में दिक्कत आ सकती थी। देन आई कंप्लीटेड माय पीएचडी। आई कंपेयर्ड पॉलिटिकल एलीट ऑफ राजस्थान विद दैट ऑफ कर्नाटका। मैं 2 साल बंगलोर भी रहा, 2 साल मैं राजस्थान के राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और मेरी पीएचडी इस फेलोशिप के आधार पर कंप्लीट हुई। अगर मैं पीएचडी नहीं करता तो आगे मुझे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने का मौका नहीं मिलता। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम जिस सब्जेक्ट के भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं
उस सब्जेक्ट में जितना नॉलेज हम प्राप्त कर सकते हैं और जो उस पद के लिए जो जरूरी है वो प्राप्त करने का काम हम सबको करना चाहिए। बिल्कुल, अभी वर्तमान परिस्थिति में स्लेट भी जरूरी है, नेट भी जरूरी है। जी, अभी इसको खत्म नहीं किया गया है, ऐसा विचार चल रहा है यूजीसी के लेवल पर कि इसको आगे खत्म किया जा सकता है। नेट नेशनल लेवल पर होता है, स्लेट स्टेट लेवल पर होता है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये होते हैं। इसके लिए मैं एक राय दूंगा कि जो अपने ये CBSE के जो पुस्तकें हैं 11th 12th लेवल की, वो एलिमेंट्री नॉलेज सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छा देती है। NCERT की जो बुक्स है उनको पढ़ना चाहिए और उसके लिए एक पर्टिकुलर और रणनीति बनानी चाहिए कि नेट को और हम क्लियर करें। तो उसके लिए जो जो भी पीछे के जितने पेपर्स हैं उनके आधार पर अपनी तैयारी करके नेट सेलेक्ट भी करना जरूरी है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रोफेसर बनने के लिए। जी, हम अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ही प्रोफेसर बनने के लिए, देर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज असिस्टेंट प्रोफेसर, देन आफ्टर सम इयर्स सम एक्सपीरियंस सम मोर क्वालिफिकेशंस एसोसिएट प्रोफेसर, नेक्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज इज एसोसिएट प्रोफेसर, एंड आफ्टर एसोसिएट प्रोफेसर वन कैन बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। तो ये जो सफर है ये इस तरह से पूरा हो सकता है। इसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी, रणनीति, प्रोफेसर कैसे बना जा सकता है, ऐसी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उस स्ट्रेटेजी को पूरा करना होगा, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। यहाँ पर आज मेरे पास एक मेरे विद्वान मित्र का और एक बहुत अच्छा मैसेज आया सोशल मीडिया पर, आई वुड लाइक टू शेयर दैट पर्टिकुलर मैसेज, दैट इज ऑफ मॉरिस चांग। मॉरिस चांग फ्रॉम चाइना, वो ताइवान में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके वो CEO हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। विदाउट स्ट्रेटेजी एजुकेशन इज एमलेस। बिल्कुल, विदाउट एजुकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, एजुकेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एजुकेशन स्ट्रेटेजी इज यूजलेस। स्ट्रेटेजी यूजफुल तभी होगी जबकि उसका एग्जीक्यूशन होगा। हम एग्जीक्यूशन के लिए अपने आप को तैयार करें और उसके लिए मैं कहूंगा कि किसी प्रकार का मन में डर नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने पहले कहा कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी एक डर है। डर वायरस नहीं होता, डर कोई वायरस नहीं होता और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं होती। इसलिए हिम्मत की वैक्सीन होनी चाहिए। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये अगर जज्बा होगा, ये अगर हौसला होगा तो मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ने में, ये सफर तय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक विवेकानंद का और मैं कोट जो है रखना चाहूंगा, देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड एम। ड्रीम इज टू बी ए प्रोफेसर, तो हाउ टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर ड्रीम, देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड एम। ड्रीम रिक्वायर्स एफर्टलेस स्लीप एंड एम रिक्वायर्स स्लीपलेस एफर्ट्स। तो वी वॉन्ट स्लीपलेस एफर्ट्स, स्लीपलेस एफर्ट्स होंगे तो हम वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत बेहतरीन शब्दों में ये बात कही है। और अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ एक स्टूडेंट्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी ओर हम चलते हैं। और स्टूडेंट्स को आपने बताया कि कैसे आप एस्पिरेंट से
आगे बढ़ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर। असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं और फिर एसोसिएट प्रोफेसर के एक्सपीरियंस के बाद आप प्रोफेसर बनते हैं, और उसके लिए आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी होती हैं, आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना होता है। साथ ही साथ आपने जब स्टार्टिंग की है, स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आप जब अपना गोल निर्धारित कर रहे हैं तो आप अपनी रुचि के अनुसार अपने सब्जेक्ट को निर्धारित कीजिए कि आप इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे सर ने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट से सर ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और पॉलिटिकल साइंस में सर ने एमफिल पीएचडी और इसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़े। असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में 1971 से लेकर के 1991 तक सर ने न जाने कितने स्टूडेंट्स को लाभान्वित किया अपने ज्ञान से, और इसी सब्जेक्ट इसी दौर में एजुकेशन के इस डिपार्टमेंट में वो आगे पढ़े। तो सर हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बिल्कुल ऐसी गिनती तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके निर्देशन में किन किन मतलब लगभग किन स्टूडेंट्स ने अपनी अचीवमेंट्स को पाया, किन को आपने रिसर्च वगैरह में और इन डिपार्टमेंट्स में आगे बढ़ाया जी? आपके निर्देशन में जो स्टूडेंट्स ने रिसर्च किया उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। इसके लिए रिसर्च करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जी सर, और आजकल वो प्रोसेस तो काफी और थोड़ा मुश्किल भी कर दिया गया है जी। पहले तो क्या है, कोई भी स्टूडेंट किसी अपना रिसर्च करता था, फिर उस तो इसके लिए एक रूपरेखा जिसको अंग्रेजी में सिनॉप्सिस बोलते हैं जी सर। वो सिनॉप्सिस जो भी जिस भी विषय पर आप रिसर्च करना चाहते हैं वो और सिनॉप्सिस आपको तैयार करनी होती है। मोटे तौर पर सिनॉप्सिस में आपको वो स्टडी ऑफ एरिया डिसाइड करना पड़ता है कि भाई आप किस विषय पर शोध करना चाहते हो। शोध का जो विषय है वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी अपनी सीमाओं में हो। कई बार क्या है कि अपन बिना सोचे समझे और ऐसे विषय ले लेते हैं जो फिर बाद में अपने और काबू में नहीं आते जी सर। के लिए अपना विषय और विषय चुनते समय उस विषय से संबंधित जो पहले कोई रिसर्च हुई हुई है, पहले कोई पुस्तकें अगर लिखी गई हैं तो उनका रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं जी। वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना चाहिए और फिर एरिया डिसाइड करना चाहिए कि हमें कहाँ तक की सीमा तक इस विषय से संबंधित रिसर्च का काम पूरा करना है जी। फिर इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट ये है कि मेथोडोलॉजी भी डिसाइड होनी चाहिए, जो जैसा विषय होता है उसके अनुरूप उसकी और मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते हैं उसको, वो बनानी जरूरी है कि हम किस तरह का तरीका अपना करके अपने इस अध्ययन को पूरा करते हैं। अपने इस अध्ययन में और अच्छे परिणाम आए इसके लिए बहुत जरूरी है कि आदमी वो अध्ययनकर्ता जो है, रिसर्चर जो है, वो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो अपने अप्रोच में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और इसमें दो तरह की रिसर्च हो सकती है जी। एक तो हो सकती है थियोरेटिकल एनालिटिकल, किसी एक कंसेप्ट को लेकर के रिसर्च की जा सकती है। एक हो सकती है प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क, वो इस मायने में कि जैसे पंचायत राज राजस्थान में 1959 में लागू हुआ, तो उस पंचायत राज की अब तक की यात्रा क्या रही है, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है, महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज, ऐसे विषय जो हैं वो फील्ड में जाकर के और प्रत्यक्ष साक्षात्कार इंटरव्यू करके और वास्तविक स्थिति को देख करके, और उसको फील्ड स्टडी बोलते हैं जी सर। वो सर्वे पर आधारित हो सकती है, वो साक्षात पर आधारित हो सकती है, इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है इम्पीरिकल स्टडी, थियोरेटिकल स्टडी और इम्पीरिकल स्टडी। तो जिस विषय से संबंधित ऐसी कोई भी समस्याएं होती हैं जिनको हम आसानी से रिसर्च के काम के लिए और रिसर्चर का आपस का समय है,
बड़ा संतुलित रखना जरूरी है। फाइनेंस की भी दिक्कत आ सकती है, पारिवारिक भी समस्याएं आ सकती हैं। अब वो तो जिसकी जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना चाहिए। कई बार कई गाइड जो है वो अपने रिसर्चर्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रखते, वो कई तरह से उनको और अपने घरेलू कामों में भी एंगेज करते रहते हैं। आजकल तो कई ऐसे भी आरोप हैं कि जैसे अभी कोटा का आपने उदाहरण सुना होगा कि असमत भी मांगने लग जाते हैं गाइड, पैसे भी मांगने लग जाते हैं। तो समाज में सब तरह के लोग होते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हुए सावधानी बरतते हुए अपने को गाइड चुनना चाहिए और विषय को चुनना चाहिए और अपने आप को हर तरह से सुरक्षित रखते हुए तो रिसर्च करनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल आपने सही बात कही और बेहतरीन जो तरीके हैं अपनी एजुकेशन को अगर हम कहेंगे जारी रखने के लिए, परिस्थितियों से तो जूझना ही पड़ता है लेकिन परिस्थितियों के साथ सावधानी बरतनी जो है वो बहुत ही जरूरी है। अब एक जो स्टूडेंट का मोस्टली क्वेश्चन आ रहा है कमेंट में, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि हम आफ्टर नेट पीएचडी करने के बाद में हमारे लिए जो कहेंगे कि गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं या गवर्नमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनके अलावा हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो हो सकते हैं या हम एजुकेशन के डिपार्टमेंट में किस तरह से अपने करियर को और बना सकते हैं, तो इसके बारे में अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें। देखिए ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट आपका क्या है। जी सर, यदि आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे केमिस्ट्री है फिजिक्स है जी, तो आप प्रोफेसर के अलावा भी जी और रिसर्च से संबंधित जो काम है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जैसे पीएचडी में होता है जी, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है बायोकेमिस्ट्री का स्कोप मेडिकल कॉलेज में भी है, पीएचडी डिपार्टमेंट उसमें केमिस्ट और साइंटिस्ट की और अपॉइंटमेंट भी होती है, तो वो भी एक तरह से रिसर्च से संबंधित काम है। तो यदि किसी कारण से सरकारी कॉलेज या सरकारी विश्वविद्यालय में और नौकरी या टीचर बनने का मौका नहीं मिलता है तो फिर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सारे लो पेड होते हैं, बहुत अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। मैं अगर नाम लेना चाहूं तो कोई गलत नहीं होगा, जयपुर में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है, एमईटी पूरे देश में अपना एक नाम रखती है उधर अपने, और लवली प्रोफेशनल है आपके उसमें पंजाब में, थापर यूनिवर्सिटी भी है पंजाब में। तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर में भी, यहाँ फरीदाबाद में एक मानव रचना विश्वविद्यालय है, ऐसे बहुत से अच्छे प्राइवेट संस्थान भी हैं जो कॉलेज के रूप में भी काम करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के काम में भी हैं लगे हुए, जैसे टाटा और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है बॉम्बे में, तो ऐसे रिसर्च से संबंधित भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, कॉलेजेस भी हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा इन सब में भी कोशिश की जा सकती है और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि जो व्यक्ति अपने आप को इस काम के लिए हर तरह से तैयार करेगा तो उसको अवश्य मौका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर दूसरा क्या है कि अपने इसमें मान लीजिए कॉलेज एजुकेशन में नहीं मिले मौका तो स्कूल एजुकेशन में भी अपनाने में क्या दिक्कत है, स्कूल एजुकेशन में करियर शुरू करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंचा जा सकता है आगे जाकर, कोई दिक्कत नहीं आती। तो बिल्कुल सर ये बात सही है कि यूं ही नहीं जीतता कछुआ खरगोश से, उसकी चाल धीमी थी परंतु लगातार थी। तो अगर आप लगातार अपने लक्ष्य को लेकर के और जारी रखते हैं अपनी प्रक्रिया को तो आपको सफलता जरूर मिलती है। एक स्टूडेंट का सर क्वेश्चन है कि जब हमें पीएचडी करनी होती है सर तो उसके लिए हम क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं होते तो हमें कैसे पता चले कि हम टॉपिक कैसे चूज करें, ये क्वेश्चन है। देखो टॉपिक चूज करने के लिए कई बातें हैं जी। अब जैसे मैंने मेरा एमफिल का टॉपिक चूज किया जी, तो मैं मेरी खुद की बात बताता हूँ जी सर कि जैसे मेरी शादी बीकानेर हुई, उस समय मेरी शादी हो गई थी जी, तो बीकानेर में मेरे फादर इन लॉ एक्सीएन थे पीडब्ल्यूडी में जी, मेरा वहां आना जाना होता था, वहां के आर्काइव जो है उसमें भी जाना होता था, वहां की जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें भी जाना होता था।
मेरे एक दो मित्र जो हैं, मेरे एक चचेरे भाई जो हैं, वो और बीकानेर की नगर पालिका के मेंबर भी थे, पार्षद भी थे, तो मैंने अपना एमफिल का टॉपिक चुना बीकानेर की नगर पालिका का नेतृत्व, मतलब वो अध्ययन किया मैंने। तो एमफिल का मेरा ये मिनी थीसिस जो है इस तरह का था, तो चूंकि मैंने एक लोकल बॉडी से संबंधित अध्ययन किया, तो फिर मैंने पीएचडी में भी उसी बात को ध्यान में रखते हुए वो पॉलिटिकल एलीट ऑफ जयपुर और बंगलोर ये टॉपिक चुना, और वो चुनने में भी मेरे दिमाग में कुछ ऐसी सुविधाएं थी जो कि मैं जयपुर में रहते हुए विभिन्न पार्टीज के जो प्रतिनिधि थे एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में, लीडर के रूप में, उनमें से कईयों से मेरी और अच्छी जानकारी थी, तो मैंने अपनी इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये विषय चुना। तो विषय चुनते हुए जो भी रिसर्चर है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह उस विषय पर अपने संसाधन सोर्सेज कैसे आसानी से जुटा सकता है, यह मुख्य बात को ध्यान में रखते हुए, और फिर गाइड जो सलाह देता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह से अपना विषय जो है वो चुनना चाहिए। बिल्कुल सर, तो मुझे लगता है कि आपके इन पूरी जर्नी से सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में जो भी डाउट्स थे वो बिल्कुल क्लियर हुए होंगे, और आने वाले समय में वो इससे जरूर लाभान्वित होंगे। तो इस आपके इस व्याख्यान में और आपके मार्गदर्शन से हमारा मन बिल्कुल भी नहीं भरने वाला है, और ना ही कहेंगे कि स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आपको सुनते रहें, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी आपके इस बेशकीमती समय में से आपने हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए समय निकाला, एक स्पेशल मैसेज मैं चाहूंगी आपकी तरफ से उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी फिलहाल किसी ना किसी रूप में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में अलग अलग तरह के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो नेट का हो, सेट का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, किसी भी तरह का वो एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए आने वाली परीक्षाओं में वो कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाए, कैसे अपने आप को सफल बना पाए, उसके लिए एक स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से सर। First of all, I would like to give my thanks for this particular interaction with the students of your BIOS, I should say. And if you want that, I should continue my interaction with you in future also. So I promise whenever you will ask me to share my ideas, my experiences, I am always ready. But it will depend upon my convenience. Yes, sir. I think on the basis of my convenience, you can decide yes, sir. Any program for me. Yes. My message is this. Yes, sir. First is never underestimate your own strength. Yes, definitely. हमने अपनी strength के बारे में पूर्ण confidence होना चाहिए, because sir. You are born for a purpose to achieve it. Yes, sir. Second is words can inspire. Yes, sir. Whatever we have shared with each other at present, yes, sir. These are our words. So I can say words can inspire and thoughts can provoke. Yes. But only action truly brings your closer to your dreams. Yes, sir. Action is required. Yes, sir. To fulfill our dreams. Yes. वर्ड्स तो हमें प्रेरणा दे सकते हैं, थॉट्स हमें उत्साहित कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारा आचरण जो है वही हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा सकता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अंत में मैं कहूंगा, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ दैट हु इज अहेड ऑफ अस और हु इज बिहाइंड अस, डोंट थिंक अबाउट अहेड और बिहाइंड। What truly matters in life is who is with us. Yes, sir. Kavita ji is with us. Lokesh Shekhawat with you. Yes, that is important thing. So, yes, jo hamare saath hain, yes, sir. Unke saath achha satsang karke apne ko positive banate hue aage badhna chahiye. Dhanyawad. Jai Hind. Thank you, sir.
जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपके इतने जो मोटिवेशनल और सभी स्टूडेंट्स ने उसे बहुत कुछ ग्रहण किया है कि रुका हुआ हूँ सफर में, रुका हुआ हूँ सफर में मगर हौसला परवान पर है, रुका हुआ हूँ सफर में मगर हौसला परवान पर है, अभी उड़ा नहीं है परिंदा, अभी उड़ा नहीं है परिंदा मगर नजर आसमान पर है। तो आप सबकी नजर भी आपके लक्ष्य पर रहे और यूं ही आपको किसी भी तरह का मार्गदर्शन और सारी जो भी आपकी उलझने हैं, आपके दिमाग की उलझने हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप जो है वो समय समय पर आप सभी के लिए ऐसी महान विभूतियां, ऐसी महान हस्तियों को लेकर के उपस्थित होता रहेगा, आप सभी के डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी जो है वो भावी शिक्षक हैं, भावी प्रोफेसर हैं, आप पूरे देश का जो कहेंगे एजुकेशन का कर्णधार हैं आप सभी युवा पीढ़ी आने वाले समय में। तो आप सभी के मार्गदर्शन के लिए हमारे सर जो है वो समय समय पर अपना महत्वपूर्ण समय हमें देते रहेंगे और आपको सर हमारे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ दिया, हमारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को इतना मोटिवेट किया, बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। धन्यवाद।